मैं आपको पढ़ा रहा था विटामिन्स। हमने पिछली क्लास में जो विटामिन्स का जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो पढ़ लिए थे। इसके अलावा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर वाटर विटामिन सी भी देख लिया था। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है, इस विटामिन की बी कॉम्प्लेक्स का जो विटामिन बी के अंदर है वो लगभग बहुत सारी कैटेगरी के, या फिर जो बोलने से 8 कैटेगरी के जो असेंशियल विटामिन है उनको रखा गया है। जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया वैसे वैसे उनका जो क्रम है वो बढ़ता गया, जैसे B1, B2, B3 ऐसे करके। जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया वैसे वैसे इनका नाम दिया गया। तो विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर सॉल्युबल या वाटर्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जब डिस्कस करेंगे तो पहले देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देर आर 8 असेंशियल विटामिन बी फॉर ह्यूमंस, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर स्ट्रक्चर। ये अपनी स्ट्रक्चर से अलग अलग होते हैं। जितने भी 8 असेंशियल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, या बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 जो असेंशियल विटामिन होते हैं जो अपनी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होते हैं, डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन फूड एंड सिम्टम्स दैट रिजल्ट फ्रॉम देयर डेफिशिएंसी। और इसी के साथ साथ अलग अलग फूड्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग इनके सोर्सेज होते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से अलग अलग सिम्टम्स और अलग अलग तरीके की बीमारियाँ होती हैं। दे आर डिस्कस हियर इन डिटेल एज फॉलोज। इसके बारे में हम हैं जो अपन डिटेल के अंदर सबसे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन बी वन। विटामिन जो बी वन है उसका नाम है, दूसरा नाम है उसका थायमिन। ये जो इनके नाम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर इनके नाम से भी आ सकता है। जैसे थायमिन के बारे में डिस्क्रिप्शन पूछ लिया तो उस तो आपको पता होना चाहिए हम विटामिन बी वन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, थायमिन इज़ अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन। ये एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, पूरा बी कॉम्प्लेक्स जो है वाटर सॉल्यूबल है। इट इज़ स्टेबल टू एसिड मीडियम। ये एसिड मीडियम के अंदर जो विटामिन बी वन है वो स्टेबल करता है, मतलब एसिड मीडियम के अंदर ये प्रिफर्बिलिटी या फिर एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। कहने का मतलब ये एसिड मीडियम मतलब स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होता है। थायमिन इज इजिली डिस्ट्रॉयड बाई कुकिंग इन नेचुरल और एल्कलाइन मीडियम। ये इजिली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, हीट सेंसिटिव भी होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन जितने भी होते हैं ये लगभग हीट सेंसिटिव रखते हैं। इससे अगर इनकी हीट बढ़ाई जाए, अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इनका जो डिस्ट्रक्शन है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ थायमिन। थायमिन की डेली रिक्वायरमेंट जो है वो है 0.5 mg के रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एंड और उसके साथ में 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इनटेक। 1000 किलो कैलोरी एनर्जी इनटेक के साथ में 0.5 mg क्या होना चाहिए, विटामिन बी वन की रिक्वायरमेंट होती है। पेशेंट ऑन रेगुलर हीमोडायलिसिस शुड रूटीनली बी गिवन सप्लीमेंट ऑफ थायमिन। जो भी पेशेंट हीमोडायलिसिस पे है, जिनकी भी किडनी ख़राब है, जिनको हीमोडायलिसिस पे रखा है, जिनका डायलिशन जो डायलिसिस है वो रेगुलरली होता है, उनको विटामिन बी वन की थेरेपी पे रखा जाता है। उनको रेगुलरली विटामिन बी वन दिया जाता है क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है, जब ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो हीमोडायलिसिस है उसमें हीमोडायलिसिस जो मशीन है वो जितने भी वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन्स है उनको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, उनको बॉडी से बाहर निकाल देती है। बाहर निकालने का मतलब ये डायरेक्ट हम अपना इसका एक इफेक्ट भी मान सकते हैं, साइड इफेक्ट भी मान सकते हैं। उस कंडीशन में हमें विटामिन बी वन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो बाहर से देने पड़ते हैं। नेक्स्ट, सोर्सेज। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो विटामिन बी वन के लिए ज़रूरी होते हैं। होल ग्रेन सीरियल्स लाइक वीट, ग्रेन्स, ईस्ट, पल्स, नट्स और मिल्क के अंदर हमें बी वन जो विटामिन बी वन है वो मिल जाता है। विटामिन बी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये नर्वस सिस्टम को मेंटेन हेल्थी रखने का काम करता है। नर्वस सिस्टम को ये ऐसे हेल्थी रखता है, ये माइलिन शीथ को फंक्शन प्रॉपर रखता है, जो न्यूरॉन्स के अंदर, जो न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ होती है, या फिर बेसिकली कहें तो ये न्यूरॉन्स के फंक्शन को एनहांस करता है। नेक्स्ट है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल एपेटाइट एंड डाइजेशन। जो विटामिन बी वन होता है ये नॉर्मल एपेटाइट या फिर एपेटाइट बूस्टअप करने का काम करता है। अगर इसको नॉर्मल या जिसमें नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल जो बी वन का जो लेवल होता है वो अर्ज ऑफ हंगर पैदा करता है, लेकिन अगर वही चीज़ है, अगर विटामिन बी वन ज़्यादा हो जाता है ये, तो ये भी लॉस ऑफ एपेटाइट को कॉज करता है।
नेक्स्ट है थायमिन फंक्शन मेनली एज ए कोएंजाइम। कोएंजाइम का मतलब होता है कि एक एंजाइम होता है और एक कोएंजाइम। कोएंजाइम उस एंजाइम को काम करने के लिए लीड करता है या फिर उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे थायमिन, क्लाइनिन वगैरह, फ्रॉस्फेट वगैरह, टीपीपी वगैरह जितनी भी है उसके एनहांस करने का काम करता है। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड एक्सक्रेशन। जो विटामिन B1 होता है, स्टोरेज की जब बात करें तो वही लीवर के अंदर स्टोरेज होता है, लेकिन एक ट्रेस अमाउंट के अंदर स्टोरेज होता है, क्योंकि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उनमें स्टोरेज का इतना कुछ इशू रहता नहीं है। और जो एक्सक्रीशन है वो यूरिन के थ्रू, वाटर सोल्यूबल है इसलिए यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होता है। अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे होने वाली प्रॉब्लम्स भी हम देख रहे हैं, जिसमें बेरी बेरी वगैरह के तरह के की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे इसमें यहाँ लिखा है, बीइंग वाटर सोल्यूबल विटामिन इट लॉस्ट ड्यूरिंग वॉशिंग कुकिंग ऑफ राइस एंड प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो ज़्यादा देर तक सब्जियों को या फिर फ्रूट्स को धोने से भी उनका लॉस हो जाता है, क्योंकि वो ऊपर की जो पीलिंग होती है, जो ऊपर का छिलका होता है, उसके अंदर विटामिन, जैसे विटामिन सी और B1 वहाँ रहते हैं, तो उनको ज़्यादा देर तक धोना, पीलिंग हटा देना, छील देना, या फिर उसके बाद में उनको ज़्यादा देर तक पकाना, या फिर कुकिंग ऑफ राइस, जो चावल होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे ये चीज़ कुकरी मेथड्स वगैरह में, उनमें अगर हम ज़्यादा धो रहे हैं या फिर ज़्यादा उनको ऊपर का पानी निकाल रहे हैं, ज़्यादा बॉइलिंग में कर रहे हैं, तो विटामिन जो B1 होता है उसकी उसका लॉस हो जाता है। प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ वेजिटेबल्स, जो लंबे समय तक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनके अंदर भी विटामिन B1 या जो दोनों है विटामिन सी, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो टू प्रिंसिपल डेफिशिएंसी डिजीज, द बेरी बेरी एंड वर्निक्स एनसीफेलोपैथी। दो तरीके की बीमारी होती है, अगर बीमारी कहे या इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली कंडीशंस का हैं, दो तरीके की होती है। एक होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब है कि ये स्किन पे या फिर ज़्यादा इफेक्ट या फिर बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालती है, जैसे नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालती है, बॉडी के मस जो स्केलेटन सिस्टम उस पर इफेक्ट डालती है। दो तरह का बेरी बेरी होता है, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। इसमें सबसे पहले देखते हैं द ड्राई बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी, द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज आर पॉलीन्यूराइटिस, क्रैम्स, नंबनेस, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने के अंदर प्रॉब्लम होना, पॉलीन्यूराइटिस होना, क्रैम्स मसल्स के अंदर ऐंठन होना, नंबनेस का मतलब होता है जैसे पैर सो जाना, सोने का मतलब, नंबनेस का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन, टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन होते हैं, वो फील होते हैं पर्सन को, उसको बोलते हैं ड्राई बेरी बेरी। नेक्स्ट है वेट बेरी बेरी। इसके अंदर है, इन एडिशन टू द अबाउ सिम्टम द अदर आर सीवियर एडिमा। वेट बेरी बेरी का मतलब है सीवियर एडिमा हो रहा है पेशेंट को, जनरलाइज एडिमा। एडिमा का मतलब है स्वेलिंग हो रही है। पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन का मतलब है खुद की हर्ट बीट खुद को सुनाई देना, पाल्पिटेशन, जोर जोर से हर्ट बीट होना, पाल्पिटेशन होना। एंड ब्रीथलेसनेस, जो ब्रीथिंग नॉर्मल प्रोसेस है वो ना हो पाना। बेरी बेरी इज ऑल्सो नोन एज द राइस ईटर डिजीज। ये उन राइस ईटर डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो व्यक्ति है जो ज़्यादा लंबे समय तक जो चावल पे डिपेंड होते हैं, राइस पे डिपेंड होते हैं, वो उनको रेगुलरली धोते हैं और उनको अच्छे से बॉईल करके खाते हैं, तो जब वो इनको धोते हैं या पीलिंग करते हैं, बॉईल करके खाते हैं, तो उस कंडीशन में जो विटामिन B1 होता है वो वॉश आउट हो जाता है। और उनमें अगर रेगुलरली लंबे समय तक अगर वो चावल पे या राइस ईटर हैं जैसे साउथ इंडियंस, तो उनमें क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, विटामिन B1 की धीरे धीरे डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। ये एक तरह की ब्रेन का से रिलेटेड है। ये उन पेशेंटों में ज़्यादा होती है जो एल्कोहलिक होते हैं, जो पेशेंट एल्कोहलिक होते हैं, जो लंबे समय से एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, उन पेशेंटों में देखा गया है कि एल्कोहल विटामिन B1 का मेटाबॉलिज्म कर देती है और उससे विटामिन B की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। और विटामिन B, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, न्यूरल फंक्शन करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो जो विटामिन डी है, B1 है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हुई तो जो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन है वो नहीं हो पाएंगे, जैसे अटैक्सिया, मेंटल रिटार्डेशन वगैरह प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम, मेंटल डिटोरिएशन मतलब सोचने कन्फ्यूजन वगैरह ये क्रिएट होगा पेशेंट को। तो ये था विटामिन B1। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विटामिन B2 के बारे में।
देखिए, विटामिन बी टू या फिर राइबोफ्लेविन, जो इसका दूसरा नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। इट इज़ ए फंडामेंटल रोल इन सेलुलर ऑक्सीडेशन। जो सेलुलर ऑक्सीडेशन होता है, जो सेल्स ऑक्सीजन का इंटेक आउटपुट करती है, जैसे जो सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल होता है, उसके लिए फंडामेंटल रोल का मतलब होता है एक बेसिक नीड होती है विटामिन बी टू की। इट इज़ को फैक्टर इन ए नंबर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व विद एनर्जी मेटाबोलिज्म। ये बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको कोफैक्टर है, मतलब उनको एनहांस करता है काम करने के लिए। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स जो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी मेटाबॉलिज्म करते हैं या एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ये विटामिन उनको बूस्ट अप करता है या फिर उनको एनहांस करता है अपने वर्क के लिए। इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 0.5 mg पर डेली होती है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन के अंदर 1 mg पर डे, प्रेगनेंसी में मोर देन 2 mg और लैक्टेशन के अंदर मोर देन 4 mg के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, सोर्सेज की बात करें तो मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और इनके अंदर ये मिल जाती है जर्मिनेशन, जैसे राइबोफ्लेविन कंटेंट, जैसे पल्सेस, सीरियल वगैरह हो गई, ये उनके अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर इसके रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो इसका रिचेस्ट सोर हमें मिलता है लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी होती है उसके अंदर हमें इसका रिचेस्ट सोर्स मिलता है, जैसे स्पेनिश वगैरह, पालक वगैरह, इनके अंदर इसका रिचेस्ट सोर्स होता है। नेक्स्ट है फंक्शन, विटामिन बी टू का, राइबोफ्लेविन का क्या फंक्शन होता है एज ए कोएंजाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोएंजाइम का मतलब होता है ये जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो फंक्शन होता है उनको एनहांस करने का काम करते हैं। इट इज़ ए वाइटल फैक्टर इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर ये वाइटल फंक्शन, वाइटल रोल परफॉर्म करते हैं एज ए कोएंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी ये हेल्प करते हैं। अगर विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी होती है तो ये मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेंगे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को। इसी के साथ साथ ओरल एंड फेशियल लीजन्स क्रिएट करते हैं, ओरल और फेशियल लीजन्स, या फिर वो स्किन रैशेज पड़ जाते हैं, कट जाती है स्किन, स्वेलिंग आ जाती है, गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ग्लोसाइटिस मतलब टन का इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ द लिप्स एंड चिलियोसिस। चिलियोसिस का मतलब होता है होठ फट जाना या फिर होठ में क्रैकल्स हो जाना, उसके बाद में स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, लिप्स का स्वेल कर जाना, ग्लोसाइटिस जो टंग होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, ईचिंग एंड बर्निंग एंड वाटरी आईज, आईज का ईची हो जाना, वाटरी हो जाना और रेडिश हो जाना, स्क्रोटल डर्मेटाइटिस, जो स्क्रोटम है वहाँ पे ईचिंग होना, वहाँ की स्किन जो डर्मेटाइटिस डर्मिस स्किन है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, ये कॉज करता है विटामिन बी टू। ट्रीटमेंट के अंदर इसमें वही देते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर जिस चीज़ की कमी हो रही है वो चीज़ हम पूरी कर देते हैं। जैसे विटामिन बी वन की, बी टू की कमी हो रही है तो उसके अंदर पीरियड ऑफ 1 month टू एडल्ट विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी टू 10 mg जो राइबोफ्लेविन है होम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और इन केस ऑफ चिल्ड्रन के अंदर हम 5 mg ऑरली डेली फॉर 1 month, 1 month के लिए 5 mg हम हैं वो रेगुलरली चलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है नियासिन। नियासिन या नियोटिक एसिड, इसको विटामिन बी थ्री भी हम बोलते हैं। ये जो विटामिन होता है ये विटामिन 1939 के अंदर डिस्कवर किया गया। द विटामिन डिफर फ्रॉम द अदर विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप इन दैट एन असेंशियल एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन सीवियर एज इट्स प्रीकर्सर। जो ट्रिप्टोफैन होता है एमिनो एसिड, जो असेंशियल एमिनो एसिड होता है, ये उसका प्रीकर्सर होता है। नियासिन इज दैट नॉट एक्सक्रेटेड इन यूरिन बट इज मेटाबोलाइज इट एट लीस्ट 2 measures मिथाइलेटेड डेरेवेटिव्स एंड मिथाइलिन और एन मिथाइलिन पायरिडोन्स। ये दो अपने को या मेटाबोलाइज्ड एक्सिड, ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं होता है, लेकिन ये दो फॉर्म के अंदर अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो डेली रिक्वायरमेंट होता है वो 6.6 mg पर 1000 kcal के हिसाब से हम इंटेक करते हैं। इन्फेंट्स के अंदर 5 to 10 mg, चिल्ड्रंस में 10 to 15 mg, एडल्ट्स के अंदर 20 to 25 mg के अंदर हम इसका जो डेली रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ नियासिन। विटामिन बी थ्री के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं?
ड्राइड ईस्ट, लीवर, राइस पॉलिश, पॉलिश किए हुए राइस एंड पीनट फ्लोर गुड सोर्स ऑफ मीट, फिश, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो उसके गुड सोर्स होते हैं। जो नियासिन का फंक्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म करवाने का होता है। इसी के साथ साथ फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन करने का काम करता है। इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल होती है, जो म्यूकोसा वॉल होती है, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने का काम करता है। उसी के साथ साथ नर्वस सिस्टम की को मेंटेन या प्रॉपर फंक्शनिंग का भी विटामिन B3 काम करता है। इसमें है डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो विटामिन B3 के डेफिशिएंसी से क्रिएट होती है। पेलेग्रा एक तरह की कंडीशन है जो विटामिन B3 की वजह से क्रिएट होती है। ये एक तरीके का स्किन से स्किन की डिफॉर्मेटी होती है, मतलब स्किन के रैश, स्किन पर रैश हो जाते हैं, रफ स्किन हो जाती है। इसी के साथ साथ स्किन के अंदर लीजन्स हो जाते हैं। उसी के साथ साथ पेलेग्रा के अंदर तीन क्लिनिकल या क्लासिकल सिम्टम आते हैं जिसको हम 3D के नाम से जानते हैं। 3D मतलब सबसे पहले होता है डायरिया, नेक्स्ट होता है डर्मेटाइटिस और थर्ड होता है डिमेंशिया। अगर किसी भी पर्सन को विटामिन B3 की कमी होती है तो उसको एक कंडीशन हो जाती है पेलेग्रा नाम की। पेलेग्रा में तीन क्लासिकल फीचर्स होते हैं, तीन क्लासिकल जो उसके सिम्टम्स होते हैं 3D के नाम से। पहला होता है डायरिया, पेशेंट को डायरिया होता है एक्सेसिव अगर विटामिन B3 की कमी हुई है। दूसरा होता है डर्मेटाइटिस, अगर पेशेंट को ईचिंग होती है, जो डर्मिस लेयर होती है उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है। और थर्ड है डिमेंशिया, ये एक तरह की मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है जो पेशेंट को फेस करनी पड़ती है धीरे धीरे। जो डिमेंशिया का मतलब होता है पेशेंट को मेमोराइज करने की या मेमोरी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, आप अभी इतना याद रखें। नेक्स्ट है अर्ली जो इसके डेफिशिएंसी है उसमें हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, सोलन, टंग वगैरह ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ट्रीटमेंट के लिए हम वही देंगे जो जिस चीज़ की कमी है वह चीज़ हम पूरी करेंगे। 50 mg BD और वीक इंजेक्शन फॉलो करेंगे, 100 mg BD देंगे 3 वीक के लिए। ये उसका ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट जो विटामिन देखेंगे वो है विटामिन B6। विटामिन B6 है, उसका दूसरा नाम है पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन जो विटामिन है इट इज इन 3 फॉर्म, पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सल एंड पाइरिडॉक्सामिन। 3 फॉर्म के अंदर ये बॉडी के अंदर होता है। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये भी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर बॉडी में हेल्प करते हैं। इसका जो डेली रिक्वायरमेंट होता है वो 0.5 mg 1 से 1.5 mg चिल्ड्रंस के अंदर, 2 mg एडल्ट्स के अंदर और प्रेग्नेंट वुमेन में 2.5 mg होता है। सोर्सेज की अगर बात करें तो वही सोर्सेज होते हैं जो बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो थे उसके सोर्सेज होते हैं, जैसे ईस्ट, राइस पॉलिशिंग, लीवर, लीवर ऑयल, नट्स, सोयाबीन वगैरह, ग्रेन, सीरियल्स वगैरह, ये सब इसके अंदर होते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो ये अमाइनो एसिड जो होते हैं बॉडी के अंदर या प्रोटीन के जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं उनकी सिंथेसिस और ब्रेकडाउन का काम करते हैं। नेक्स्ट हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन। जो ट्रिप्टोफैन होता है अपनी बॉडी के अंदर जो एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको नियासिन के अंदर चेंज करने का काम करता है। थर्ड है कन्वर्जन ऑफ लिनोलिक एसिड टू एरेकिनोडोनिक एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को एसेंशियल एमिनो एसिड के अंदर चेंज करने का भी काम करता है। इसी के साथ साथ लिनोलिक एसिड को एरेकिनोडोनिक एसिड के अंदर चेंज करने का भी काम करता है, एक तरह का एमिनो एसिड है। नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ हीम, जो हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट को भी फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है या नीडेड सिंथेसिस कौन करता है, ये वाला विटामिन, विटामिन B6। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन या इम्यून प्रोडक्शन करने का भी काम ये करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एनीमिया कॉज होगा, हीमोग्लोबिन का जो प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा। इसी के साथ साथ में जो रेड ब्लड सेल्स वगैरह हैं उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा। हीम पार्ट अगर नहीं बना बॉडी के अंदर तो वो उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके बाद में है पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल न्यूराइटिस का मतलब होता है जो पेरिफेरल जो स्किन होती है, पेरिफेरल की जो स्किन होती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस का मतलब है जो
पेरिफेरल न्यूराइटिस के अंदर जो लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाते हैं, जो पेरिफेरल जो एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह होती है उनके अंदर सेंसेशन है वो धीरे धीरे लॉस होने लगते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल न्यूरॉन्स का जो फंक्शन होता है या प्रॉपर फंक्शन जो ये विटामिन करवाता है ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और उस कंडीशन की वजह से जो पेरिफेरल जो नर्व्स है उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा और नंबनेस और उसी के साथ साथ में वहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन भी देखा जाएगा, स्पेशली व्हेन पेशेंट गेट्स INH इन ट्यूबरकुलोसिस। एक तरह की ड्रग होती है आइसोनियाजाइड जो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर लेते हैं, उसके अंदर जब लंबे समय तक ये दवाई जब हम लेते हैं तो पायरेडोक्सिन की कमी हो जाती है और उसको पेरिफेरल न्यूराइटिस कंडीशन हो जाती है। लंबे समय तक अगर ट्यूबरकुलोसिस के अंदर INH या आइसोनियाजाइड का जब पेशेंट इंटेक करता है, आइसोनियाजाइड एक तरह की ट्यूबरकुलिन ड्रग होती है, डॉट्स के अंदर आता है, वो अगर ज़्यादा समय तक अगर पेशेंट ले रहा है तो उस पेशेंट में देखा गया है कि पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है जो कि विटामिन B6 की कमी के कारण होता है, क्योंकि ये जो दवा है वो विटामिन B6 को क्या करती है, का डिस्ट्रक्शन करती है और उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होने देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सो पेशेंट ऑन एंटी ट्यूबरकल ट्रीटमेंट शुड गेट 10 mg पर डे पायरेडोक्सिन। तो जो भी पेशेंट एंटी ट्यूबरकल ड्रग पे डिपेंडेंट है या जिनको TB है, जिनको ये मेडिसिन चल रही है, उनको हम पहले से विटामिन जो B6 है उसको उसकी डोज दे के रखते हैं। नेक्स्ट है सेबोरिया लाइक स्किन लीजन अराउंड द आइज एंड नोज। आइज और नोज के पास में स्किन में चकते हो जाते हैं, चकते का मतलब है एक रेडिश स्किन, दाने दाने हो जाते हैं, वो भी इससे विटामिन की कमी के कारण होते हैं। चिल्ड्रन डेवलप्स नर्वस इरिटेबिलिटी एंड कन्वल्सन्स। नर्व इरिटेबिलिटी और कन्वल्सन्स का मतलब है सीजर्स और फिट्स आना बार बार में, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनमें ये प्रॉब्लम होती है तो उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट है पेंटोथैमिनिक एसिड। ये जो नाम है ये है विटामिन B5 का, जो पेंटोथैनिक एसिड है इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका होता है विटामिन B5। इट इज़ वन ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विच कैन क्योर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस। ये जो विटामिन B5 है ये स्पेसिफिक डर्मेटाइटिस को ट्रीट करने का काम करता है, या फिर ये डर्मेटाइटिस होने से स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करता है। There is a specific role of pantothenic acid is in biosynthesis of corticosteroids. Normally human blood contain 18-35 mg% अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी के साथ साथ ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड के फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। रिक्वायरमेंट 1.5-2.5 mg इन्फेंट्स के अंदर, चिल्ड्रंस में 5-8 mg, एडोलसेंट्स के अंदर 8-10, एडल्ट में 10 और प्रेगनेंट वुमेन में 10-15 mg रिक्वायरमेंट होती है डेली। सोर्सेज की बात करें पेंटोथेमिक एसिड की, तो वही सेम सोर्सेज होते हैं जो बाकी विटामिन के सोर्सेज हैं, बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सोर्सेज है। डेफिशिएंसी की बात करें तो फ्यू विटामिन B5 की डेफिशिएंसी ज़्यादा कुछ कॉज नहीं करती है, बट नोजिया वॉमिटिंग जो जनरल जितने भी इसके हैं वो करती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की कमी के कारण, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की कमी हो जाती है, नर्व फंक्शन ट्रेमर्स वगैरह की कंडीशन ये कॉज करता है। इसी के साथ में नेक्स्ट देखते हैं, बायोटिन या इसको विटामिन एच भी बोलते हैं। जो बायोटिन होता है इसको हम विटामिन 7 के B7 के नाम से भी जानते हैं। जो विटामिन B7 होता है इट इज सॉल्यूबल स्प्रिंगली इन कोल्ड वाटर एंड फ्रीली सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। ये स्प्रिंगली इन कोल्ड वाटर का मतलब है ये बहुत कम सॉल्यूबल होते हैं, विटामिन जो B7 होता है ये कोल्ड वाटर के अंदर कम होता है, लेकिन जो हॉट वाटर होता है उसके अंदर ये ईजिली सॉल्यूबल हो जाते हैं। दिस इज सिंथेसाइज्ड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर भी सिंथेसाइज्ड होते हैं। इनको बाहर से लेने की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसी के साथ साथ में इतनी ज़्यादा बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं। डेली रिक्वायरमेंट के अंदर द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर बायोटिन आर नॉट नॉन, इट मे रेंज फॉर
60 mg फॉर एडल्ट और 20-40 mg फॉर चिल्ड्रंस एंड 10-50 mg इन्फेंट्स के लिए ये ज़रूरत होती है। सोर्सेज बायोटिन के वही वेजिटेबल्स वगैरह, जो बाकी के ड्राइड फ्रूट्स वगैरह जितने भी है, बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए है, वो इसका है। फंक्शन की बात करें तो बायोटिन इज असेंशियल फॉर नॉर्मल गेस्टेशन एंड लैक्टेशन इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। जितने भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के अंदर अपन ने एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर या फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये नॉर्मल गेस्टेशन और लैक्टेशन, जो दूध पिलाती है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके अंदर ये हेल्पफुल होते हैं। इट हेल्प इन मेंटेन द स्किन एंड नर्वस सिस्टम। ये भी स्किन और नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं। जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अभी तक अपन ने पढ़े हैं वो दो काम तो करते ही हैं, स्किन और नर्वस सिस्टम, उसी के साथ साथ में जो इम्यून को है वो बूस्टअप करने का काम करते हैं। डेफिशिएंसी से बायोटिन रेयर इन ह्यूमन लाइफ का मतलब ये बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी बहुत कम होती है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर ये कहीं ना कहीं बना लिया जाता है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B9, जिसका नाम है फोलेट या फोलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है अपनी बॉडी के अंदर, क्यों? क्योंकि ये हीमोस्टेसिस या हीमोपोएटिक जो अपनी बॉडी है उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन है उसके अंदर भी हेल्प करता है, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो इसमें देखते हैं, फोलेट मींस लीफ एंड अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ फोलेसिन एंड फार्मेकोस। इसके अंदर जो फॉलिक एसिड्स होते हैं, फॉलिक एसिड अपनी बॉडी के अंदर जो लीफ या फिर जो जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स वगैरह हैं, जो लीव्स होती हैं, हमें उनसे ये मिलता है। ये अपनी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन इसका सबसे ज़्यादा होता है। डेली रिक्वायरमेंट जो ICMR जो है मैटरनल और चाइल्ड एंड मैटरनल जो रिप्रोडक्टिव एज है उसके अंदर अगर ICMR इसकी देखें तो एडल्ट के अंदर 100 mg चाहिए, प्रेगनेंसी में 300, चिल्ड्रंस के अंदर 100 और लैक्टेशन के अंदर 150 mg इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सोर्सेस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होती है, लीवर मीट एग्स वगैरह इसकी होती हैं। इसके अलावा हम बाहर से भी फॉलिक एसिड दे सकते हैं। फंक्शंस जो इसके हैं, इट इज़ असेंशियल फॉर मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। इट प्ले रोल इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए के सिंथेसिस में भी ये विटामिन हेल्प करता है। इसी के साथ साथ इट एक्ट्स एन एज को एंजाइम इन सिंथेसिस ऑफ मिथियोनिन एंड प्यूरिन। मिथियोनिन और प्यूरिन के को एंजाइम का भी ये काम करते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनीमिया कॉज होता है। एनीमिया का मतलब है जो ब्लड के अंदर जो RBC का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर ओवर कुकरी करते हैं, ओवर बॉइलिंग करते हैं अगर अपन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह को, तो उस कंडीशन के अंदर भी जो विटामिन B9 है जिसका फॉलिक एसिड है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और उसके साथ साथ जो एनीमिया कोज होता है उसका नाम है मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। प्रिवेंशन के अंदर हम फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं बच्चे को, प्रेग्नेंट वुमेन को, जो भी है उसको। प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, नेशनल प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम चल रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, उसके थ्रू हम इसका प्रिवेंशन करते हैं। ज़्यादा जरूरत इसको गर्ल्स और मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनके अंदर इसकी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हम उनको सप्लीमेंट्स देने का काम करते हैं। जो लास्ट विटामिन है वो है विटामिन B12, जिसका दूसरा नाम है साइनोकोबालमिन। ये जो विटामिन B12 है ये भी ब्लड के या ब्लड जो नॉर्मल ब्लड फंक्शन है या नॉर्मल ब्लड सिंथेसिस है उसमें हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन इसका जो विटामिन B12 का है ये इंटेस्टाइनल के अंदर होता है, और इसकी एक इंट्रेंसिक फैक्टर होता है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। जिन पेशेंटों के अंदर स्टोमक को हटा दिया जाता है या पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी कर दी जाती है उनमें इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं होता है और वो विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन होने में हेल्प नहीं करता है। तो उन पेशेंटों के अंदर जिनमें पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी या कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी हो रखी है उनमें हम लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर ICMR के थ्रू है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन 0.2, नॉर्मल एडल्ट में 1, प्रेगनेंसी में 1.5, लैक्टेशन में 1.5 जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सोर्सेज के अंदर वही है, लीवर मीट फिश एग मिल्क वगैरह चीज़ वगैरह के अंदर ये हमें मिलता है।
और इसी के साथ साथ ये अपनी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो भी इसका फॉर्मेशन का काम करते हैं। फंक्शन के अंदर देखें तो इट प्रमोट्स द मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का करते हैं। इसी के साथ साथ WBC और प्लेटलेट के फंक्शन को भी इनहांस करते हैं। और इट एक्ट एज कोएंजाइम इन सिंथेसिस ऑफ मेथियोनिन, मेथियोनिन के कोएंजाइम का भी एक्ट करते हैं। इट कोऑपरेट्स द फॉलिक एसिड इन द सिंथेसिस ऑफ DNA, फॉलिक एसिड के सिंथेसिस का भी ये प्रमोट करते हैं DNA के अंदर। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन कौन सी चीज़ें अपन देखने को मिलती है, इसमें एक स्पेशल तरीके का एनीमिया देखने को मिलता है, उसका नाम है पर्निशियस एनीमिया। विटामिन बी की कमी से जो एनीमिया होता है उसका नाम होता है पर्निशियस एनीमिया। उसी के साथ साथ इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, द पर्सन अपीयर वेल नरिश्ड विद रेस्पेक्ट टू बॉडी वेट, इसी के साथ बॉडी वेट है उसका कम होता है। उसी के साथ साथ जो एनीमिया के फीचर्स हैं वो भी इसमें डेवलप होते हैं। स्किन एंड आई आर पेल हो जाती है, टंग रॉ एंड रेड रहती है, माउथ अल्सर्स क्रिएट होते हैं, नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है बॉडी में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं इसको। पर्निशियस एनीमिया के साथ साथ इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, जो कि विटामिन B9 की वजह से होता है। ट्रीटमेंट है वो इसका विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स हमें लाइफ लॉन्ग देने पड़ते हैं अगर गैस्ट्रोक्टोमी या इंटरेस्टिव फैक्टर की कमी है, अदरवाइज हमें विटामिन B12 की जो सप्लीमेंट्स हैं वो पेशेंट को देने रहते हैं। तो विटामिन B9 और B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपके विटामिन का जो चैप्टर है वो पूरा होता है। नेक्स्ट जो लेंगे वो कुकरी मेथड्स वगैरह, प्रिजर्वेटिव जो